दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलसी ऑसिलेशंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक इंडक्टर होगा एल और एक कैपेसिटर होगा सी, और इस ये दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे। और इस सर्किट में जो चार्ज है क्यू, वो ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट का क्या मतलब होता है? जैसा कि पेंडुलम ऑसिलेट करता है, कैसे? ये एक पॉइंट है, इसका मिडिल पॉइंट, ठीक है। अब हमने इसको फोर्स लगाया, यहाँ पर धक्का दिया, तो ये क्या करेगा? पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम तक जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। फिर वापस यहीं पर आएगा, ठीक है। फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा मैक्सिमम तक, फिर वापस उसी पॉइंट पर आएगा। तो इस तरह का जो मोशन होता है, ये पॉजिटिव में जाना, फिर वापस आना, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम जाना, फिर वापस आना, तो इसको बोलते हैं ऑसिलेशंस। जैसा कि स्प्रिंग मास सिस्टम में हम देख सकते हैं, हमने क्या किया, इस मास को नीचे ले जाके छोड़ दिया। तो ये क्या करेगा, पहले यहाँ पर था, हम इसको नीचे ले गए, तो ये क्या करेगा, वापस आएगा और स्प्रिंग फोर्स से वापस ऊपर जाएगा, तो नेगेटिव डायरेक्शन में गया, फिर वापस यहाँ पर आएगा और फिर नीचे जाएगा। तो ये भी देखिए, ऊपर नीचे इस पॉइंट के अक्रॉस ऑसिलेट कर रहा है। तो इस पॉइंट इसको बोलते हैं ऑसिलेशंस। तो चार्ज कैसे करेगा, चार्ज पहले पॉजिटिव था, जीरो होगा, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, फिर वापस जीरो आएगा, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, फिर जीरो आएगा। तो इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इस सर्किट में होता रहेगा, तो ये चार्ज ऑसिलेट करेगा, ठीक है। अब यहां पर दो चीजें समझने लायक है। पहली कि कैपेसिटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर कर लेता है। यहां पर चार्ज होगा तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये कैपेसिटर क्या करता है, जो इसके पास एनर्जी आती है सर्किट से, उसको स्टोर कर लेता है इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड होती है, वो होती है क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, यानी कि जितना ज्यादा चार्ज होगा इस कैपेसिटर के पास, उतनी ही ज्यादा इसके पास एनर्जी होगी, ठीक है। और दूसरी है कि जो इंडक्टर होता है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो जो स्टोर एनर्जी होती है वो होती है हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ एल आई स्क्वायर यानी कि करंट जितनी ज्यादा होगी इस सर्किट में, इंडक्टर से जो फ्लो होगी करंट, वो जितनी ज्यादा होगी, यहां पर जो एनर्जी स्टोर्ड है मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, वो भी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सर्किट की तरफ। तो सर्किट के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, बैटरी, डीसी बैटरी के साथ पहले कैपेसिटर को कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहां पर कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगी, जिससे इस कैपेसिटर में यहां पर चार्ज आ जाएगा, ये फुली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब चार्ज हो गया, इसके पास एनर्जी आ गई, ठीक है, मैक्सिमम चार्ज हो गया QM, इसके पास मैक्सिमम चार्ज आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको इस बैटरी से हटा दिया, कैपेसिटर को अलग कर लिया, और हमने इसको इंडक्टर के साथ लगा दिया। ये देखिए, ये इसको यहां से हटा लिया था कैपेसिटर को, और इंडक्टर के साथ अब लगा दिया है टाइम टी इक्वल टू जीरो पर, यानी कि हमने जस्ट अभी इसको लगाया ही है, ठीक है। तो इस टाइम पर क्या होगा कि जो आपका कैपेसिटर है उसके पास मैक्सिमम एनर्जी होगी, क्योंकि उसके पास जो चार्ज है वो कितना है, QM, मैक्सिमम चार्ज है, और इसके पास इंडक्टर के पास अभी कुछ एनर्जी नहीं होगी, जीरो एनर्जी होगी, क्योंकि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो जीरो है, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चालू होंगे इस डायरेक्शन में, और इस प्लेट पर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां से जैसे इलेक्ट्रॉन चले और यहां पर पहुंचे, तो यहां का माइनस गायब हो गया, और यहां पर इलेक्ट्रॉन जैसे ही पहुंचा, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या हो गया, न्यूट्रल बन गया, तो यहां के चार्ज कम हो गए। अब कैपेसिटर के पास जो चार्ज थे मैक्सिमम चार्ज, उसमें से थोड़ा कम चार्ज हो गया, और इस सर्किट में करंट फ्लो होना चालू हो गई, ठीक है। तो करंट फ्लो होने से क्या हुआ, इसके पास मैग्नेटिक फील्ड आया, तो जो एनर्जी यहां से निकली, इसके पास चार्ज कम हुआ
तो इसके पास एनर्जी भी कम हो गई, लेकिन वो एनर्जी जो कम हुई वो अब किसके पास आ गई, वो अब इंडक्टर के पास आ गई, क्योंकि इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई। अब क्या होगा, सारे के सारे चार्ज यहाँ पर आ जाएंगे और पूरा ये कैपेसिटर न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि इसके पास कोई चार्ज नहीं बचेगा। और इस टाइम पर जो आपकी करंट होगी सर्किट में, वो करंट होगी मैक्सिमम, IM मैक्सिमम करंट, ठीक है। तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं बचा, यानी कि इसकी पूरी एनर्जी ख़त्म, और इसमें करंट है वो है मैक्सिमम इंडक्टर में, तो सारी की सारी एनर्जी इस कैपेसिटर की इंडक्टर के पास आ गई, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि कैपेसिटर का एक कॉन्सेप्ट है कि ये करंट को धीरे धीरे बढ़ने देता है और धीरे धीरे ही घटने देता है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर तो कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, तो ये करंट धीरे धीरे घटना स्टार्ट करेगी। तो धीरे धीरे इसी डायरेक्शन में जब घटना स्टार्ट करेगी तो ये कैपेसिटर को चार्ज कर देगी वापस। तो कैपेसिटर यहाँ से चार्ज होना चालू हो जाएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और इसकी थोड़ी सी एनर्जी कम हो गई क्योंकि इसमें करंट अब कम हो गई, पहले मैक्सिमम हो गई थी, अब कम हो गई थोड़ी सी, तो इसके पास की एनर्जी थोड़ी सी अब कैपेसिटर में आ गई, और इस तरह से करंट धीरे धीरे कम होते हुए जीरो हो जाएगी, ठीक है। और पूरा का पूरा कैपेसिटर वापस से चार्ज हो जाएगा, तो इसकी पूरी एनर्जी अब वापस कैपेसिटर में आ गई। लेकिन अब पहले और इस सर्किट को देखिए, पहले यहां पर पॉजिटिव था ऊपर वाली प्लेट में, ठीक है, लेकिन अब यहां पर नेगेटिव हो गया है, यानी कि माइनस क्यू हो गया है। पहले प्लस क्यू था, फिर जीरो हुआ, फिर माइनस क्यू हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसके बाद के सर्किट में, यहां पर अब क्या होगा, इसके पास पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो यहां से करंट, यहां से इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करेंगे इधर, तो सर्किट में वापस करंट फ्लो होगी और उस करंट की डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में। पहले इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही थी, अब करंट फ्लो होना चालू होगी इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां से जब करंट, यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकल के इस प्लेट पर आएंगे तो यहां फिर से चार्ज कम हो जाएगा, तो कैपेसिटर के पास फिर से चार्ज कम हो गया, और इसमें करंट आ गई सर्किट में, तो फिर से इसके पास एनर्जी आ गई, और हाफ हाफ मीन्स इसकी एनर्जी अब थोड़ी सी यहां पर चली गई, ठीक है। अब इस तरह से क्या होगा कि जो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से चल के यहां पर आ जाएंगे, तो इसके पास जो है कैपेसिटर के पास अब यहां पर कोई चार्ज नहीं बचेगा, और इस टाइम पर जो सर्किट में करंट होगी वो होगी मैक्सिमम, लेकिन ओपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। पहले जो करंट फ्लो हो रही थी वो इस डायरेक्शन में हो रही थी मैक्सिमम, लेकिन अब इस डायरेक्शन में मैक्सिमम होगी, ठीक है, माइनस IM। अब क्या होगा, ये करंट वापस से घटना स्टार्ट करेगी क्योंकि चार्ज तो अब यहां पर है नहीं, तो क्या होगा कि अब ये कैपेसिटर को चार्ज कर देगी। तो यहां पर देखिए कैपेसिटर थोड़ा सा चार्ज हो गया और ये करंट कम हो गई, घट गई, तो फिर से इस इंडक्टर की जो मैक्सिमम एनर्जी थी यहां पर, वो अब थोड़ी सी कैपेसिटर में आ गई और इसके पास एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई क्योंकि इसमें करंट कम हो गई। अब क्या होगा, धीरे धीरे घटते हुए यह करंट जीरो हो जाएगी और ये कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव नेगेटिव, इस तरह से पोलैरिटी में ये चार्ज हो जाएगा। तो अब इस सर्किट को और पहले वाले सर्किट को देखिए, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो यानी कि हम जहां से चले थे वहीं पर पहुंच गए, एक साइकिल हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो एक साइकिल में अब देखिए चार्ज कैसे चेंज हो रहा है वो देखिए, ऑसिलेट कैसे कर रहा है, ठीक है। पहले सर्किट में चार्ज क्या था, प्लस QM, फिर ये धीरे धीरे घटते हुए जीरो हो गया, फिर ये नेगेटिव हुआ और बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया, लेकिन नेगेटिव पोलैरिटी में, माइनस QM, प्लस QM जीरो, माइनस QM, फिर वापस घटते घटते जीरो हो गया, तो माइनस QM के बाद जीरो, फिर ये बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया, प्लस QM, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहले प्लस QM था, धीरे धीरे घटते हुए जीरो हो गया, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते माइनस में पहुंच गया, माइनस QM मैक्सिमम, फिर जीरो हो गया, फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया,
तो इस तरह से ये ऑसिलेट कर रहा है सर्किट में चार्ज। करंट के बारे में देखिए, पहले सर्किट में करंट क्या थी, जीरो। पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट हुई बढ़ने लगी, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पहुंच गई, फिर घट गई, घटते घटते जीरो, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ने लगी, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम ऑपोजिट डायरेक्शन में, और फिर घटते घटते जीरो पर। तो ये देखिए करंट का ग्राफ, पहले जीरो थी, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर घटते घटते जीरो वापस, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, फिर घटते घटते जीरो। तो इस तरह से जो करंट है वो भी ऑसिलेट करती है, ठीक है, क्योंकि चार्ज भी ऑसिलेट कर रहा है। अब हम इसको समझते हैं मैथमेटिकली, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ये जो सर्किट था हमारे पास, ये सेकेंड नंबर वाला सर्किट लेंगे, ये वाला, जहां पर क्या है, इसके पास भी थोड़ी सी एनर्जी है और इसके पास भी थोड़ी सी एनर्जी है, ठीक है। तो ये वाला जो सर्किट है वो हमने ले लिया इसके लिए। तो यहां पर इसके पास कैपेसिटेंस कितना है इसका, सी, और चार्ज है इसके पास क्यू, ठीक है। मैक्सिमम चार्ज नहीं है ये, क्यू एम मैक्सिमम होता है, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा चार्ज इसके पास है। ये भी मैक्सिमम करंट नहीं है, ये भी थोड़ी सी करंट है, ठीक है। तो और ये इंडक्टेंस है इसका एल, ठीक है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, Q इक्वल टू होता है सी वी, तो वोल्टेज इक्वल टू होगा Q बाई सी, तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा Q बाई सी, ठीक है। और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज जो होता है वो होता है एल डी आई बाई डी टी, अगर उसमें से करंट फ्लो हो रही है आई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहां पर केवीएल लगा देंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, ऊपर गए माइनस टू प्लस, वोल्टेज बढ़ रहा है, यानी कि कैपेसिटर का वोल्टेज प्लस में, तो कैपेसिटर के वोल्टेज अक्रॉस कितना था, क्यू बाई सी, तो प्लस का क्यू बाई सी, ठीक है। इधर आए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, तो ये घट रहा है यानी कि माइनस, और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होता है, एल डी आई बाई डी टी, तो एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब करंट का फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है तो करंट घट रही है। यहां पर देखिए इस सर्किट में, यहां पर हमने देखा था कि चार्ज क्या हो रहा था, यहां पर घट रहा था कैपेसिटर में, तो इसमें करंट क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। यहां पर देखिए चार्ज कम होता जा रहा है और करंट जीरो से मैक्सिमम होती जा रही है, यानी कि करंट इसकी ऑपोजिट है, ठीक है, ऑपोजिट में काम कर रही है, बढ़ रहा है तो घट रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां पर माइनस लगा दिया, इसका मतलब यह है, ठीक है। तो यहां पर देखिए करंट है, तो इसको हम यहां पर रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा Q by C माइनस L d by dt of I, यानी कि माइनस Q dQ by dt, माइनस dQ by dt, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और L d 2Q by dt स्क्वायर, ठीक है, डबल डेरिवेशन। अब यहां पर देखिए इस L से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा d 2Q by dt स्क्वायर प्लस 1 by LC, ये L से डिवाइड किया तो नीचे LC आ जाएगा इनटू Q, ठीक है। अब जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है ना SHM, वो होती है d2x by dt स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर x इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जो हमारे पास आई है उसको इससे कंपेयर करेंगे। तो हम इस जब कंपेयर करेंगे तो ओमेगा जीरो स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 1 बाई एल सी, ओमेगा जीरो स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एल सी, जहां पर ओमेगा जीरो क्या है, फ्रीक्वेंसी है, कितनी फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है, ऑसिलेट फ्रीक्वेंसी। तो ये ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एल सी आ गया, तो ओमेगा जीरो इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट एल सी, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये तो हुई थी आइडियल केस की बात, है ना, क्योंकि यहां पर हमने कोई लॉस कंसिडर नहीं किया सर्किट में, हमने माना कि कोई लॉस नहीं है और कैपेसिटर और इंडक्टर जो है वो आइडियल है, इनमें भी कोई लॉस नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल केस में क्या होता है कि जो इंडक्टर होता है ना उसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें थोड़ा सा लॉस हो जाता है, यानी कि जितनी पावर कैपेसिटर के पास थी, जितनी एनर्जी थी इसके पास, वो पूरी की पूरी एनर्जी इसके पास नहीं आ पाती है, थोड़ी सी एनर्जी लॉस में चली जाती है
और बची हुई एनर्जी ही इसके पास आती है, ठीक है। और फिर अगर इसमें से भी थोड़ी सी एनर्जी लॉस हो जाएगी तो धीरे 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 ये जब ऑसिलेट करने लगेगा तो ये धीरे धीरे इसका ग्राफ जो है वो डाउन चला जाएगा। यानी कि जो हमारे पास ये ग्राफ आ रहा था ना, ये वाला, ये धीरे धीरे, पहले तो ये मैक्सिमम रहेगा, उसके बाद ये थोड़ा सा कम हो जाएगा ऐसे, फिर उसके बाद और कम, क्योंकि हर साइकिल में क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस होती जा रही है। एनर्जी लॉस यानी कि करंट भी कम होती जाएगी और धीरे धीरे ये जीरो हो जाएगी, क्योंकि इसकी जितनी पावर थी वो खत्म हो जाएगी, ठीक है, लॉस में चली जाएगी वो सारी पावर। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है, यानी कि इसमें रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और एक एलसी सर्किट में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में क्रिएट हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में क्रिएट हो रहा है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो इसी बेसिस पे काम करती है। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर निकलेंगी इस सर्किट से, और सर्किट में से अगर वेव बाहर निकलेगी तो वो कुछ एनर्जी लेके निकलेगी ई, तो यहाँ पर फिर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एनर्जी बाहर जा रही है तो फिर लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे पास प्रैक्टिकल केस में वेव फॉर्म आती है ना, वो कुछ इस तरह की आती है और ये जीरो हो जाती है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हम जितनी एनर्जी लॉस में जा रही है उतनी एनर्जी इसको बाहर से दे दें तो हमारी वेवफॉर्म कैसी आएगी, कुछ इस तरह की आएगी, सेम वेवफॉर्म आएगी जैसा पहले केस में आ रही थी, ठीक है। तो ये हम कि ट्रांजिस्टर की मदद से करते हैं, और उसको बोला जाता है ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, ठीक है। तो वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।